और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। झांसी के ग्राम खरवास सरकारी योजना के पैसों का बंटरबार। गौशाला में भूख प्यास से तड़पते गोवंश। गौशाला कर्मचारी के अनुसार गौशाला में बंद गोवंशों को तीन तीन दिन में दिया जाता है भूसा एवं पानी। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत में योगी सरकार बनने के बाद सबसे पहले गौशालाओं के लिए विशेष पैकेज दिया गया और सख्त निर्देश भी दिए गए, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा गौशालाओं के लिए पैसा भी भेज दिया गया। उसके बावजूद भी गौशालाओं की स्थिति नहीं सुधर रही है। मामला जिला झांसी तहसील गरौठा विकासखंड बामोर की ग्राम पंचायत खरवाज का बताया जा रहा है, जहां हमारी मीडिया टीम ग्राउंड रिपोर्ट देखने पहुंची तो गौशाला में गोवंश व नवजात छोटे छोटे बछड़े भूख प्यास से चिल्ला रहे। गौशाला में कहीं भी ना तो एक बूंद पानी है, ना ही तिनका भूसे का नजर आया। छाया की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं। धूप में ही बगैर भूसे बगैर पानी के गोवंशों को बंद कर रखा गया है। सरकार द्वारा गौशाला के लिए स्पेशल बजट मुहैया कराने के बावजूद भी गौशालाओं की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। गौशाला के लिए आने वाली बागी धनराशि का ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर बंटर बांट कर रहे हैं। जब इस संबंध में गौशाला में कार्यरत कर्मचारी को बुलाकर पूछा गया तो उसने बताया कि लगभग 3 दिन पहले उसने भूसा और पानी गोवंश को दिया था। अब इतनी भीषण गर्मी में 3 दिन तक जानवरों के भूखे रहने प्यासे रहने रखने वाले जनप्रतिनिधि कर्मचारियों पर शासन प्रशासन या योगी सरकार का कोई डंडा चलेगा या जांच के नाम पर लीपापोती कर दी जाएगी। वहीं गांव में साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। लोग मुख्य मार्ग से कीचड़ भरे रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत भवन का भी पूरा पैसा निकाल लिया गया, जबकि पंचायत भवन अभी आधा अधूरा और गंदगी से पटा हुआ पड़ा है। पंचायत भवन में भी शौचालय का निर्माण भी नहीं करवाया गया और पंचायत भवन का पूरा पैसा निकाल कर बंटर बांट कर लिया गया। गांव में ग्राम प्रधान इतनी दहशत है कि कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं होता। दबी जुबान में एक दो लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ कहने की कोशिश की तो ग्राम प्रधान के गुर्गों ने उन्हें घेर लिया ताकि वह ग्राम प्रधान के खिलाफ कुछ भी ना बोल सके। परंतु प्रत्यक्षण किम प्रमाणम, गौशाला पंचायत भवन मुख्य मार्ग सभी मीडिया के कैमरे में प्रमाण स्वरूप कैद हो गए। गाँव है ये खरुआ से, यहाँ एक गौशाला बनी है, इसमें कई गाय बंद हैं अंदर, तो इनके लाने क्या व्यवस्था है, कुछ जानकारी है आपको? अभी हम गए थे तो वहाँ एक बूंद पानी भी नहीं है, भूसा भी नहीं है। क्या स्थिति रहती है? इसी तरीके से रहती है कि बदलाव होता रहता है? जानकारी में हम खुद नहीं जा पा रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू। ये कौन से ग्राम पंचायत की गौशाला है? जिला कौन सा पड़ जाता है? इस गौशाला की देख रेख कौन करते हैं? आप करते हैं? हाँ, हम दो लोग करते हैं। इसमें भूसा वूसा है, जैसे जो पानी की व्यवस्था नहीं है तो उस पानी के लिए हम लोग नदी ले जाते हैं, पानी पिलाने के लिए भूसा डाल देते हैं यहाँ पर गौशाला में, साफ सफाई करते हैं। अच्छा, ये जो अभी पानी के पीछे हौदी पड़ी है जो पूरी खाली पड़ी हुई है और भूसा के लिए भी एक दाना भूसा भी नहीं है, तो इस तरीके से क्या व्यवस्थाएं हैं? इस तरीके से कितने दिनों में डालते हैं आप भूसा और कब पानी डालते हैं? भूसा के लिए तो ट्रैक्टर गया है, अब अच्छा। मतलब ट्रैक्टर वहां से भर के आएगा, यहां डाल देंगे। हाँ। वो पानी के लिए टैंकर खड़ा है। हाँ। इसमें बता देंगे लोग पानी पी लेते हैं, जैसे नई टैंकर नई लाइट आई जैसे नहीं मिला तो हम टाइम से पानी पिलाते हैं, नदी ले जाते हैं जी। आप किसी से भी संपर्क कर लूँगा। अच्छा, और ये छोटे छोटे जैसे गोवंश हैं बच्चे, इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था, कुछ अलग से व्यवस्था? ये भी ये के मतलब ये तो अभी छोटे हैं, दूध पी लेते हैं तो थोड़ी बहुत जैसे गेहूँ ले जाते हैं अपने हार खेत पर, खास सांस भी खा लेते हैं थोड़ी बहुत। अच्छा, बड़े जानवरों के साथ ही हैं तो कहीं कुचलने की संभावना नहीं रहती?